हे दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी रिव्यू चैनल पर। पानीपत इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आशुतोष ग्वारीकर ने। आशुतोष ग्वारीकर ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जैसे जोधा अकबर, लगान, स्वदेश वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी पिछली फिल्म यानी कि मोहन जोदाड़ो कुछ खास नहीं गई थी। तो क्या ये फिल्म पानीपत आशुतोष की पुरानी फिल्मों का मुकाबला कर पाती है या फिर ये फिल्म भी मोहन जोदाड़ो की ही तरह है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पानीपत फिल्म कैसी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब देखो, कहानी तो सबको पता है कि इस फिल्म में मराठा एम्पायर, जो अपने देश और मिट्टी के लिए जान निछावर करना जानते थे, और दुर्रानी एम्पायर के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई हुई थी, जो कि काफी बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें अब्दाली की 1,00,000 की सेना और मराठा के 75,000 सैनिक शामिल थे, जिसमें अब्दाली जीत गया था और मराठा सैनिक हार गए थे। लेकिन क्यों हारे थे, तो इस बात की जानकारी आपको फिल्म में ही मालूम पड़ेगी। फिल्म अच्छी है, मतलब कि उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जहां संजय दत्त का लुक इस फिल्म में काफी गजब का है, वहीं अर्जुन कपूर ने भी एक मराठा सैनिक का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। लेकिन उनके डायलॉग बोलने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सुनील शेट्टी की आवाज है, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था ये वाला डायलॉग। अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पे वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। खैर, उसके अलावा भी जो छोटे मोटे कलाकार हैं उनकी भी एक्टिंग ठीक ठाक है, लेकिन फिल्म की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है। लगभग 3 घंटे की ये फिल्म फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा बहुत बोर करती है, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म 2 या 2.25 घंटे की होनी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म में एक ही वॉर सीन है और वो भी लास्ट में आता है, तो उस हिसाब से फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं है। फिल्म के ज्यादातर हिस्से सदाशिवराव भाऊ और पार्वती बाई के लव एंगल पर ज्यादा फोकस करती है। उसके अलावा गाने, अब मुझे समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड में जब भी ऐसी वॉर पर फिल्में बनती हैं तो उसमें गाने क्यों डाल देते हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों में गाने बिल्कुल ना के बरोबर सूट करते हैं, और खास कर तब जब ऐसी मशहूर वॉर पानीपत पर फिल्म बने, तो ऐसी फिल्मों में मुझे पर्सनली गाने तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यार हम राजा और महाराजा और वॉर की फिल्म देखने जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि इस फिल्म में हमें और क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन फिल्म में जबरदस्ती लव एंगल और गाने डाल देते हैं, जो फिल्म का आधा घंटा तो वैसे ही खा लेते हैं। खैर, उस बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि ये बॉलीवुड है। पर बात करें फिल्म की, तो फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर फिल्म के सेट को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जिसमें से मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो था शनिवारवाड़ा। शनिवारवाड़ा को फिल्म में बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया है। उसके अलावा अब्दाली और मराठा का वॉर जो पानीपत में हुआ था, उस सीन को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। लेकिन लास्ट में जब अर्जुन कपूर यानी कि सदाशिवराव भाऊ जब लड़ते हैं, उस सीन को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरह से उन्हें अब्दाली की सेना घेर कर रखती है और वो एक पे एक लाश बिछाते रहते हैं, वो सीन पूरी फिल्म की जान है। अब भले ही मराठा पानीपत की लड़ाई अब्दाली से हार जाते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर से मराठा दिल्ली को जीत लेते हैं और पूरे इंडिया पर उनका झंडा लहराने लगता है। हालांकि इस फिल्म में सिर्फ पानीपत तक ही दिखाया गया है, बाकी की बातें फिल्म में बताई गई हैं। तो एक हिसाब से फिल्म अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी कि जोधा अकबर और स्वदेश थी, और लगान तो वहां तक तो फिल्म पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये फिल्म ना ही तो उतनी ज्यादा खास है और ना ही कि ये फिल्म फ्लॉप है, बल्कि एक एवरेज फिल्म है जिसको आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जहां फिल्म पानीपत के वॉर पर बेस्ड है, वहीं सबसे खास मराठा एम्पायर, जिन्होंने इतनी दिक्कतों के बावजूद इस लड़ाई को कैसे लड़ा और लड़ाई के बीच में ही कुछ अपने जिन्होंने धोखा दिया उन सबको कैसे बर्दाश्त किया, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपनी मिट्टी के कुछ बहादुर सैनिकों की लड़ाई को देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दे सकता हूँ। तो अगर आपने पानीपत फिल्म नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए, और अगर देखा है तो आप हमें कमेंट बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।